हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो स्कॉलरशिप वाला फॉर्म था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा था। बोल रहे थे सर, एक तो पहले कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है सर, और जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका जो है पासवर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज उसके बारे में ही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक स्टूडेंट का किया था, ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं उसका जो है यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा रहा है ऊपर पे, है ना, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं यूज़र आईडी भी आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आपका दिस विल सर्व एज ए योर यूज़र आईडी, है ना। ये जो आपका यूज़र आईडी है और पासवर्ड सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, है ना। और आपका जो मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिए थे उस पे आपका पासवर्ड जो है सेंड किया जाएगा, ठीक है। यदि पासवर्ड नहीं भी आ रहा है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कैसे पासवर्ड क्या करना है, कैसे उसको फिलअप करना था, देखिए आपका पासवर्ड जो है वो आपका जो डेट ऑफ बर्थ था, ठीक है, जो भी आप लोग डेट ऑफ बर्थ इसमें इंटर किए थे सेम वो आपका क्या है पासवर्ड है, ठीक है, वही पासवर्ड इसमें रहेगा, ठीक है। तो उसी पासवर्ड को लेके आपको यहाँ पे जाना है। देखिए ये आपको क्लिक टू, है ना, लॉगिन के लिए, है ना, लॉगिन टू अप्लाई, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको वहाँ पे आपको ये जो है यूज़र आईडी मांगा जाएगा, ठीक है। और नीचे मैं आपका दिखा देता हूँ, रुकिए थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है, मैं इसको करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ खुल रहा है। देखिए इसके ऊपर जाएंगे हम scholarship.gov.in, जो उसका ऑफिशियल साइट था, ठीक है ना, scholarship.gov.in। देखिए ये मैं पहले से सर्च करके रखा हुआ हूँ, ठीक है, इसको आप खोल लेंगे। देखिए ये खुल रहा है, थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए ये खुल चुका है ना। तो यहाँ पर जाएंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई, है ना, क्लिक हियर टू अप्लाई पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पहला ऊपर पे जो है आपको, है ना, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी मांगा जाएगा, ठीक है, आपका जो यूज़र आईडी है वो एप्लीकेशन आईडी है जो भी आपको मिला, जैसे कि मुझे ये वाला मिला था, है ना, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ये वाला, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमको ये वाला, है ना, आपका एप्लीकेशन आईडी है, ठीक है, इसको यहाँ पर इंटर करना रहेगा हमको, ठीक है, यहाँ पर इसको इंटर कर लेंगे एप्लीकेशन आईडी को। उसके बाद यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है ना, यदि पासवर्ड आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, यदि डेट ऑफ बर्थ ये ले रहा है, ठीक है, और आपका ओपन हो जा रहा है तो ठीक है, यदि नहीं हो रहा है तो उस पर उसके बाद आपको यहाँ पे आना फॉरगेट, है ना, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी तो आपके पास है ही, उसको नहीं करना है। तो किसको करना है, तो नीचे वाला जो ये फॉरगेट पासवर्ड, इसको क्लिक करना है, ठीक है। देखिए फॉरगेट पासवर्ड हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए आपको, रुकिए पेज खुल गया है ना, देखिए यहाँ पर आपका जो है एप्लीकेशन आईडी फिर से पूछा जा रहा है, जो एप्लीकेशन आईडी आप लोगों को मिला है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना, ये वाला जो भी दिया रहेगा, है ना, उसके बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको क्या आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो एक न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए देगा, ठीक है, न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए आपको दिया जाएगा। और न्यू पासवर्ड जो आप सेट कीजिएगा वो देखिए आपका क्या रहेगा, उसमें क्या क्या आपको रखना है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो न्यू पासवर्ड जब आप लोग सेट कीजिएगा तो न्यू पासवर्ड में देखिए आपका क्या रहेगा, ये सारा चीज़ आना चाहिए उसमें, ठीक है, तभी आपका न्यू पासवर्ड जो हो सेट हो पाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या है, पासवर्ड शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर, ठीक है, पहले तो उसका जो लेंथ है वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है, 8 वर्ड उसमें रहना चाहिए आपका। पासवर्ड शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट, है ना, उसमें एक नंबर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, मीन्स ABCD में से कोई भी कुछ भी रख सकते हैं, या अपना नाम का पहला लेटर रख सकते हैं या कुछ भी, है ना। उसके बाद पासवर्ड शुड हैव एटलीस्ट 1 नंबर, है ना, नंबर वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे कुछ भी एक नंबर उसमें रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, पासवर्ड शुड हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, है ना, स्पेशल कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है, जैसे @ हो गया, है ना, ये सारा चीज़ एक उसमें रहना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हो गया आपका, 3 चीज़ कंपलसरी है, पहला क्या आपका पासवर्ड में नंबर होना चाहिए, या फिर आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए ABCD, ठीक है, नंबर में आपका 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं, और आपका तीसरा नंबर क्या था, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में आप @ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका, इस तरह से आप लोग जो अपना न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड हमारा यहाँ ऊपर पे देख रहे हैं, न्यू पासवर्ड, है ना, कंफर्म पासवर्ड करने के लिए आता है, ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।